और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखो, ये कैसे बनते हैं यार। ये जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको लगभग काजा से 8 या 9 किलोमीटर, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर ना मैंने लद्दाख में भी नहीं देखा है। तो वहाँ से रास्ता काफ़ी हद तक ख़राब आपको मिलेगा, उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आओगे काफ़ी ऊपर आना पड़ता है। वो देखो नीचे से रास्ता जा रहा है। तो हम ढंकर मोनी से एकदम ऊपर टॉप में पहुँच गए, मैं और अरुष हालत में। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पीति वैली। आज है स्पीति राइड का day 8 और हम अभी है लिंगती विलेज में। लिंगती विलेज जो धंकर मॉनेस्ट्री है उससे थोड़ा आगे पड़ता है, और उससे आगे पड़ता है पिन वैली मड विलेज। कल रात को मैंने जो व्लॉग है उसको एंड नहीं कर पाया था, रीज़न बीइंग कि हम लोग ये जगह पे कैंपिंग कर रहे थे। कल भी पहुँचते मतलब टेंट लगाते काफ़ी शाम हो चुका था, इसलिए हम लोगों ने उसके बाद उतना हवा चल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि टेंट उड़ा के लेके चला जाएगा हम सबको लेके। खाली मैदान है ना तो बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने बस मैगी बनाए, उसके बाद हम लोगों ने अंडा उबाले, 3 अंडा दोनों शेयर करके खा लिए। जल्दी जल्दी सो गया, आज बहुत फ्रेश लग रहा है क्योंकि कल 10 बजे करीब सो गया था और आज सुबह 6 बजे उठ के अब ये तामझाम जो है सारा कुछ रेडी करके अभी 8:30 बज रहा है। आरुष जो है वो अभी चाय बना रहा है। यहाँ पे लीड पड़ा हुआ है, लीड दे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है हम लोगों का ब्लैक कॉफ़ी, तो चाय वाय का झंझट नहीं है, छानो उसके बाद पियो, ये करो। तो कॉफ़ी डालेंगे, पियेंगे, चले जाएंगे। बाइक बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे ये बाइक रेडी है, हिमालयन 411 बिल्कुल रेडी है। और अभी हम यहाँ से जाएंगे धंकर मोनेस्ट्री। धंकर मोनेस्ट्री घूमने के बाद वहाँ से हम जाएंगे किब्बर, उसके बाद लांगजा, हिक्किम, ये सारा कुछ होते हुए हम जाएंगे काजा। और काजा में जाके आज जो है हम लोग होटल में रुकने वाले हैं क्योंकि सब कुछ ड्रेन आउट हो चुका है। मतलब 2 पावर बैंक 70,000 mAh का दोनों ड्रेन हो चुका है 7-8 दिन कैंपिंग करने के बाद। लैपटॉप पे चार्ज नहीं है, सारे मेमोरी कार्ड्स फुल हो चुके हैं, सारा कुछ HDD में बैकअप नहीं ले पा रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। सारा कुछ आज करना है, उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद और 2 दिन कैंपिंग करके छत्र में शायद, पता नहीं वो आगे देखेंगे क्योंकि आगे रास्ता बहुत ख़राब होगा, कैसा क्या रास्ता मिलेगा सिचुएशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग जो है कैंप लगाएंगे। बाकी चाय वाय बन रहा है अभी, और चाय बनने दो, उसके बाद हम लोग पियेंगे, पी के यहाँ से निकल जाएंगे। आज उतना टेंशन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आज उतना हेक्टिक नहीं है, आज आराम से जाएंगे फ़ोटो वोटो खींचते हुए आराम से। और मैंने गम्बूट चरा लिया है यहाँ पे। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे वाटर क्रॉसिंग मिलेगा, पर मैं जानता था कि काजा के बाद जो है वाटर क्रॉसिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही ख़राब रास्ता आ जाता है। बट हम लोग अभी काजा पहुँचे नहीं है, फिर भी मैं डाल दिया क्योंकि मेरा जो जूता है उसका हालत बहुत ही खस्ता है, मतलब वो फेंकने लायक हो गया है अभी, तो इसलिए मैंने जो है अपना गम्बूट चरा लिया। तो चाय वाय पी के थोड़ी देर में निकलेंगे और मिलेंगे आपसे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो आज का राइड जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, टाइम हो रहा है 9:12। तो चलो अभी देर नहीं हुआ, ठीक है आज का टाइम ठीक ही है। और मैंने गम्बूट चला लिया क्योंकि अगर वाटर क्रॉसिंग वगैरह रहेगा तो यहाँ पे चलाना थोड़ा टफ होगा, तो एक एक करके चलाएंगे। पहले मैं चलाऊँगा या वो चलाएगा, कोई एक हेल्प करेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर है और बाइक बहुत ज़्यादा भारी है, एक बार गिर जाने से ना पूरा नीचे गिरना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, अरुष रेडी? चलो चलो जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये पूरा मिट्टी है यहाँ पे, यहाँ पे ना पानी बहता है और इस टाइम पानी नहीं है, कम है, तो हम लोग यहाँ पे कैंपिंग किए थे और ये पूरा मिट्टी था जो कि हार्ड हो चुका था और इसके ऊपर हमने कैंपिंग किए थे। बाइक धस रहा था कल, हम पत्थर ला के उसको स्टैंड में किए थे। और ये जगह थोड़ा टफ है, चढ़ सकता है, आराम से चढ़ जाएगा। चलो निकल गया, ओके रुको मैं यहाँ पे थोड़ा रखता हूँ बाइक को, उसके बाद उसको भी थोड़ा हेल्प करना है, उसका भी वज़न ज़्यादा है, यहाँ से उठाना है। ओके चल गया।
बस हम पहुंच ही गए धनकर मॉनेस्ट्री, वो रहा सामने। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के एकदम बीच में से किला जो है वो निकला हुआ है। काफ़ी खूबसूरत है। चलो वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं, देखते हैं फिर। भाई साहब कितना चढ़ाई है, काफ़ी ऊपर आना पड़ता है। वो देखो नीचे से रास्ता जा रहा है वहाँ से, और ऊपर इतना ऊपर आना पड़ा, और भी ऊपर जाना है, ऐसे घूम घूम के ऊपर जाना पड़ रहा है। भाई साहब काफ़ी ऊपर है, एकदम पहाड़ी की चोटी पे। भाई जो है वहाँ पे पार्क कर दिया, और ये ओल्ड मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, ये अरुष जा रहे हैं। तो हम लोग पहले चले ओल्ड मॉनेस्ट्री, और जहाँ से राइड कर लेना पड़ता है वहाँ पे बन रहा है न्यू मॉनेस्ट्री, बन रहे नहीं बन चुका है। तो पहले हम सोचे कि ओल्ड मॉनेस्ट्री विजिट करके जाते हैं। और ये जो मॉनेस्ट्री है ना, ये रिस्कीस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कभी भी गिर सकता है, ऐसे रिस्क में आता है, टॉप 10 में ये 10th नंबर पे आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वर्ल्ड में ऐसे 100 बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि कांस्टेंट इरोशन की वजह से कभी भी गिर सकता है, और उन्हीं में से धनकर गुंपा 10 नंबर पे आता है। वैसे धनकर का लिटरल मीनिंग है धन मतलब क्लिफ, और खर मतलब फोर्ट, इसका अर्थ हुआ क्लिफ पे बना हुआ फोर्ट। और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि धनकर पहले स्पीति वैली का कैपिटल हुआ करता था। तो यहाँ पे खत्म, और नीचे देख रहे हो एकदम क्लिफ एजेस पे बना हुआ है। वो जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, वो जो रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ जाके आपको शायद गोप्रो में दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है। तो हमको वो जो न्यू मॉनेस्ट्री है वो वाला येलो कलर का बिल्डिंग, वहाँ पे आपको बाइक रख के फिर ट्रैक करके जाना पड़ेगा वहाँ से वहाँ तक। और इस पहाड़ी के पीछे ही जो झील है, मतलब जो धनकर लेक है वो है। तो हम पहले सोचे थे कि धनकर लेक जाएंगे, बट अभी बज रहे 10:30 के आसपास, और अभी अगर जाएंगे ट्रैक करेंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, और फिर वापस हमें पकड़ लो 45 मिनट तो लग ही जाएगा। तो 2.5 घंटे आराम से लग जाएगा जाने में और आने में, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा फोटोग्राफी करना, तो ड्रोन वोन उड़ाना, अगर ड्रोन लेके जाए तो सारा कुछ मिला के 3-3.5 घंटा चला जाएगा। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि चलो जो मॉनेस्ट्री है घूम के फिर हम निकल जाएंगे आगे की तरफ, कासा की तरफ। चलो थोड़ा मॉनेस्ट्री ऊपर जाते हैं। तो हम धनकर मॉनेस्ट्री एकदम ऊपर टॉप में पहुंच गए, मैं और अरुष, हालत काफ़ी खस्ता हो गया, काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ा, सांस फूल रहा है अभी। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मॉनेस्ट्री टाइप का है, मतलब एक घर जैसा है, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। अंदर कुछ नहीं है वैसा, जो मेन मॉनेस्ट्री और नीचे ही है, और ये ऊपर एक किला जैसा है, मैं आपको एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो यही है, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये था ऊपर का व्यू, व्यू काफ़ी मस्त है। आप अगर धनकर मॉनेस्ट्री आ रहे हो तो मेन मॉनेस्ट्री से थोड़ा ऊपर है ये, आ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल सा फोटोज़ आप खींच सकते हो यहाँ से। और काफ़ी टाइम जा रहा है तो अभी नीचे जाएंगे और मिलते हैं काजा के रास्ते पे। जब तक मैं काजा के रोड पे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में मिलता हूँ आपसे, तब तक आप ये ड्रोन शॉट एंजॉय करो। और अगर आपको रील्स वगैरह देखना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम जो है वो फॉलो कर लो, अच्छा अच्छा रील्स आपको देखने को मिलेगा, और इंस्टाग्राम का आईडी नीचे आ रहा होगा, आप फॉलो कर लो। बाकी यहाँ से अभी आगे की तरफ चलते हैं, और जब तक हम निकलते हैं आप एंजॉय करो ये ड्रोन शॉट्स। चलो तो हम दोनों भी निकल रहे हैं धनकर मॉनेस्ट्री से, काफ़ी टाइम लगा लिया यहाँ पे,
12 बज रहा है। तो अभी जो दिखना था वो दिखना हो गया और यहाँ से हम अभी जाएंगे काजा। काजा में पहले सोच रहे कि होटल ले लेते हैं, होटल लेने के बाद सब डंप करेंगे फिर खाली बाइक लेके निकल जाएंगे, वो अच्छा रहेगा। नहीं तो वो पूरा पैनिया सेटअप लेके ना चलने में बहुत दिक्कत हो रही है रास्ते पे। आगे तो और भी दिक्कत होने वाला है एज वैसे भी। अभी यहाँ से उतरना पड़ेगा, काफ़ी ऊपर हाइट पर आ गए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, फिर शायद काजा के रास्ते जाना पड़ेगा। अब देखते हैं काजा के रास्ता कौन सा है, पूछना पड़ेगा एक बार। हाँ, काजा जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? यहाँ से है ना, ऊपर का रास्ता है ना। थैंक यू। तो हम लोग वहाँ से आके गलत चले गए थे, हम लोगों को इस तरफ जाना है, यह जो रास्ता कट रहा है ना ये वाला, तो यहाँ से ऊपर को जाना है काजा के लिए। और यहाँ से हम लोग आए थे ओरो धंकर मोनेस्ट्री और हम लोग पीछे से आए थे, तो ये रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देख लेना। बोर्ड बराबर लगा हुआ है, हम लोग फॉलो नहीं किए थे तो हम लोग थोड़ा आगे चले गए थे। आगे चल के पूछा कि काजा किस तरफ से, बोले तो ऊपर रह गया रास्ता, तो हम फिर से रिटर्न आए। ज़्यादा नहीं, 100-200 मीटर गया होंगे हम लोग, तो फिर हम लोग उधर से फिर यहाँ पर आ गए। एनी वे चलो, रास्ता थोड़ा ख़राब है, आप चलो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, उसके बाद से बातें करते हैं। वाह क्या वैली है भैया, क्या वैली है। तो धंकर मोनेस्ट्री से हम निकल के अभी जा रहे हैं काजा की तरफ, और यहाँ से काजा है करीब करीब 34 किलोमीटर, और डेढ़ घंटा लगने वाला है। रास्ता काफ़ी ख़राब है, मतलब काफ़ी ख़राब नहीं, अभी थोड़ा ख़राब अच्छा मिल रहा है। पीछे धंकर मोनेस्ट्री जहाँ से हमने राइट कट लिया था, लेफ़्ट कट लिया था सॉरी, हम लोग राइट तो गलत चले गए थे, तो वहाँ से जो लेफ़्ट कट लेके ऊपर की तरफ रास्ते से आते हो ना काजा की तरफ, तो वहाँ से रास्ता काफ़ी हद तक ख़राब आपको मिलेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आओगे मतलब ऊपर से, तो रास्ता फिर से ऐसा वाला हो जाएगा, मतलब टूटा फूटा सा। इसको ऑफ रोड तो नहीं बोल सकते, रास्ता बना हुआ था फिर टूट चुका है, बट ठीक है, ये ठीक ही रास्ता है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। पहाड़ पर ऐसा रास्ता मिल जाए तो अच्छा ही है। तो अभी यहाँ से एक गाड़ी मिला था, बोला कि 34 किलोमीटर है, आपको डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 12:27, मतलब 12:30 बज रहा है, हम करीब 2 बजे तक शायद पहुँच जाए अगर कोई किसी जगह पे ना रुके तो। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इतना अच्छा व्यू आ रहा है कि हमको रुकना ही पड़ रहा है, फ़ोटो खींचना पड़ रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस सामने का नज़ारा दिखाने के लिए आपको मैंने जो कैमरा है उसको ऑन कर दिया, और शायद ये पहाड़ कैमरा में नज़र आ रहा होगा, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़। मतलब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर ना मैंने लद्दाख में भी नहीं देखा है, मतलब मैंने नहीं देखा है, शायद होंगे जितना मैं लद्दाख को एक्सप्लोर किया हो ना उसमें, मैंने ये वाला पहाड़ जो चोटी वाला एकदम ऊपर वाला है ना, वैसा पहाड़ मैंने अभी तक नहीं देखा। इस स्पीति में पहली बार देख रहा हूँ, इतना सुंदर लग रहा है ये ना। मतलब मैं देखो, आप लोग शायद देख चुके होंगे कई वीडियोज़ में, मैं पहली बार अपनी आँखों से देख रहा हूँ, तो मतलब एक अलग ही लग रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई मतलब अभी तक स्पीति नहीं आए हो और आने का प्लान बना रहे हो, तो बेझिझक आ जाओ, एक प्लान बना के ज़रूर आ जाओ, पूरा स्पीति घूम के जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना खुला आसमान, कॉटन जैसा आपका जो क्लाउड्स है, वाइट क्लाउड्स, पूरा कॉटन जैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कोई पेंट करके रखा है। और ये देखो जो क्लाउड्स का जो छाव पड़ा है ना पहाड़ों के ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे धूप है, यहाँ पे छाव है, फिर धूप फिर छाव, और जो पहाड़ों का शेड्स है ना कलर के डिफरेंट है, मतलब ब्राउन है, कभी थोड़ा ब्लैकिश टाइप का है, और थोड़ा मतलब क्या लाइट ब्राउन है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो मतलब एक डिफरेंट फीलिंग है मतलब ये जगह। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर आओ, घूम के जाओ स्पीति वैली, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहाँ रह गया, ये रील बनाने के चक्कर में देखो कितना पीछे रहेगा ये, तो रुक जाता हूँ, उसको आने देता हूँ। काजा से हम बस 10 किलोमीटर दूर है, 10 नहीं और लगभग 8 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखो, ये कैसे बनते हैं यार, भाई साहब ये एक या दो दिन में तो नहीं बना होगा, ये बनने में हज़ारों साल लगेंगे सच में। ऐसे पूरा स्ट्रीट खड़ा हुआ है और एकदम खाँच खाँच जैसा बना हुआ है, देखो ये एक दिन दो दिन का तो बात नहीं है, देखो पूरा है, मतलब यहाँ से लेके आगे भी है,
ये जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको लगभग काजा से 8-9 किलोमीटर, 8 या 9 किलोमीटर आगे पड़ेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर वाला बोर्ड मुझे बहुत आगे मिला था, तो शायद ये 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर ऐसे की रेंज में आपको मिलेगा ये चीज़। आप ज़रूर गौर करना, ये चीज़ आपके राइट साइड में आएगा आप जब काजा जाओगे तो। क्या अल्टीमेट है, क्या अल्टीमेट व्यू है यार, वाह। ये मुझे ना एक चीज़ लगता है कि जब यहाँ से रेत गिरता है ना, मानो यहाँ पे ना पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, नवंबर दिसंबर उसको जनवरी पूरा बर्फ़ हो जाता है, और उसके बाद जब वहाँ से ग्लेशियर्स पिघल के जब पानी होकर नीचे गिरता है ना, तो जहाँ जहाँ से गिरता है वहाँ वहाँ ऐसा खाज बन जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से ये रेत मिट्टी का पहाड़ भी ना ऐसा खाज बना हुआ है, तो इसी बारे में होगा। मतलब देखने में व्यू बड़ा मस्त है, बहुत मस्त व्यू है, ये देखो बहुत सही लग रहा है। तो हम लोग फाइनली अभी हम लोग एक रूम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे दुकान वगैरह सारा कुछ है, मार्केट काफ़ी बड़ा है देख सकते हो। तो अभी हम जल्दी जल्दी एक रूम ढूंढेंगे, वहाँ पे जाके डंप करेंगे, और जो ऊपर का रास्ता जा रहा है ऊपर वाला, उधर पेट्रोल पंप हॉस्पिटल सारा कुछ है, और वो रास्ता जाता है जो की मॉनेस्ट्री है वहाँ पर भी जाता है। हम कल जाएंगे की मॉनेस्ट्री, और आज बाकी दूसरा जो बचा हुआ है वो देखेंगे। तो जल्दी एक होटल ढूंढना पड़ेगा पहले, चलो होटल ढूंढ लेते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, उसके बाद आपको सारा डिटेल्स मैं शेयर करता हूँ। ये मार्केट है पूरा, देखो कितना बड़ा मार्केट है। तो बिल्कुल होटल के फ्रंट साइड में हम लोग का बाइक खड़ा है, ये वाला है हम लोग का बाइक, यहाँ पे पार्क रहेगा आज, और ये जो है इस होटल में हम लोग आज रुकने वाले हैं। ये बेसिकली होटल नहीं है, होम स्टे है, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। इसका नाम है स्पीति हॉलीडे होम स्टे, रिसेप्शन है यहाँ से, ऊपर का रूम है हम लोग का 2 नंबर रूम मिला है, और मैं आपको रूम पहले दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा रूम मिला है, बजट भी सही है, क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो इसलिए। वैसे कुछ रूम है, यहाँ से एंटर करते हो तो ऐसा कुछ, यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे आरुष का सारा सामान, आरुष का सामान दे रहा हूँ, और मेरा सामान, ये है मेरा सामान। तो ये वाला जो है, ये रूम हमको मिला है 1000 रुपीज़ में, मतलब हम दोनों शेयर कर लेंगे 500 करके। और यहाँ पे एक बेड है, डबल बेड, दो चेयर, एक टेबल लगा हुआ है, और यहाँ पे बालकनी है जिससे इधर पार्क का व्यू आता है, और इस तरफ ये भी इधर पार्क का व्यू आता है। मैं पहले, मेरा जो अपोजिट में एक होटल है वहाँ पर गया था, इसमें गया था, मगर इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, और ये प्राइस का भी ज़्यादा बोल रहे थे 1500 रुपये, कम नहीं होगा। तो हम लोग सोचे थे कि 1000 में अगर मिल जाता तो अच्छा रहता, तो रिक्वेस्ट किए तो कम नहीं हुआ, तो एकदम अपोजिट में यहाँ पे आके पूछे तो बोले 1200, उसके बाद हम लोग बोले 1000 रुपये में हो जाएगा, ऑप्शन चल रहा है, तो बोले हाँ सर आ जाओ, और हम जो है बाइक लेके आ गए इस होटल पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फ्रेश होते हैं और मिलते हैं आपसे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर।